डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, योजनाओं के पोषण मानकों में संशोधन। सरकार द्वारा बच्चों के लिए खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पोषण मानकों में संशोधन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के लागू होने के लंबे समय बाद केंद्र सरकार ने स्कूलों व आंगनवाड़ियों में भोजन के पोषण मानकों को संशोधित किया है। ये संशोधन एक अंतर मंत्रालय समिति की सिफारिशों पर किया गया है। इसके तहत कैलोरी और प्रोटीन के अनुपात में वृद्धि करते हुए उनमें सूक्ष्म पोषक तत्व को शामिल करना भी अनिवार्य किया गया है। संशोधित NFSA अनुसूची 2 6 माह से 1 वर्ष की आयु के बच्चों व उच्च प्राथमिक कक्षाओं यानी 6 से 8 से शुरू होने वाले 9 समूहों हेतु पोषण मानकों को तय करता है। 6 माह से 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों के लिए 3 नई श्रेणियां बनाई गई हैं। कुछ मौजूदा श्रेणियों जैसे निम्न प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पोषण मानकों को संशोधित किया गया है। जैसे पिछले मानदंडों के तहत निम्न प्राथमिक कक्षाओं में प्रत्येक बच्चा मध्याह्न भोजन के साथ 450 किलो कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन प्राप्त करने का हकदार था। अब प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाकर 15 से 20 ग्राम कर दिया गया है, जबकि वसा 18 से 21 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट 70 ग्राम भी मिश्रण का हिस्सा है। सूक्ष्म पोषक तत्वों के मानक भी तय किए गए हैं, जैसे कैल्शियम 170 mg, जिंक 2 mg, लौह 3.5 mg, आहार फोलेट 50 माइक्रोग्राम, विटामिन ए 100 माइक्रोग्राम, विटामिन B6 0.43 माइक्रोग्राम और विटामिन B12 0.66 माइक्रोग्राम। समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की थी कि सरकारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में अंडा परोसना भी अनिवार्य किया जाए। हालांकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों में मिड डे मील अब PM पोषण या आंगनवाड़ी में एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना जैसे कार्यक्रमों के मेन्यू में अंडे और अन्य पदार्थों को शामिल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसमें प्री स्कूल के बच्चों के साथ साथ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी शामिल किया गया है।